इधर दिखा दो, ये है दिल्ली, भी दिख रहा है इधर, भी दिख रहा है वैसे। ठीक है, हार गए, हार गए, ये जलालत है, ये तो तमाचा है दिल्ली का, तमाचा। और 20 ओवर नाटक पाना, किलोमीटर फट गया, किलोमीटर पूरी तरीके से कोई हार ही नहीं, पूरी हार तो पूरी किसी टीम की नहीं हुई है जितनी दिल्ली। अरे होगी होगी, कहाँ पे है दिल्ली, हम शुक्र गुजार है। मैं लिटरली थी हार गए, मैं शुक्र गुजार हूँ चेन्नई सुपर किंग्स का जो हमसे भी हार गए। थैंक यू वेरी मच, एक दिन था हमारा दिन खराब था, आपको दे दिया, और वैसे भी हम तो मुफ्त में दे दिए। चलो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं ईशांत शर्मा का कि भाई तूने लास्ट में 8 ओवर 8 रन दिए, बच गए हम, नहीं तो आज तो पार हो जाता, 277 भी बना था, टूट जाता और ये पहुंच जाता कहीं 280-285 पहुंच जाता। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं श्रेयस अय्यर का कि तूने आके सुस्त इनिंग खेली मेरे भाई, वरना आज 300 बन जाते और हमारी धज्जियां उड़ जाती और दुनिया में वो रिकॉर्ड टूटता ना, अगर 300 बन जाते तो वो तो कोई ना तोड़ पाता है ना। बहुत शुक्रगुजार ऋषभ पंत का भाई, कम से कम 150 तक पहुंचा दिया, थोड़े रन मार लिए, ट्रिस्टन स्टफ थोड़े रन मार लिए, वरना मेरे ख्याल से अब सिवाय रिटायरमेंट के तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा, रिटायर हो जाओ, अर्ली रिटायरमेंट लो, वो वीआर स्कीम आती है ना, वॉरंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो ले लो, टीम रिटायरमेंट, रिटायरमेंट लेके हमारी तरह बैठ के ना यहाँ पे देखो मैच, बस तुम देखने लायक हो। अगर 277-272 ही खा रहे होते तो भाई मैं बॉलिंग करा लेता भाई, 26-26 30-30 रन बढ़वाने हैं तो पांडे जी से करा लो, प्रियांशु से करवा लो, कमरा कर लेगा, साक्षी अंडर हैंड डाल दो, हम करवा लेंगे। और जब एक सेकंड, जब जीरो पे 5-5 बॉले खेल के जीरो पे आउट हो पुरेल जी इंपैक्ट, जब मार्स ने जीरो पे आउट होना है तो मार्स ने भी उतने रन बनाए जितने साक्षी ने बनाए इस मैच, जीरो। पुरेल हमारे इंपैक्ट प्लेयर ने उतने रन बनाए जितने कोबरा ने बनाए, जीरो। बेस्ट वार्नर की फील्डिंग, तो हम भी खेल रहे हैं एक साथ ही भाई, क्या हो गया उसमें, टेंशन क्या है, आप जो रन बना रहे हो हम बना रहे हैं, 100-100 रन से मैच हार रहे हो, लाना था दिल्ली। भाई मेरे लिए उससे ज्यादा लांती बात ये है कि आप 20 ओवर एज प्रोफेशनल सर्वाइव ना कर सके, स्टैंडिंग्स देख रहा था, नेट रन रेट पाताल से नीचे चली गई तुम्हारी, नेट रन रेट पाताल से नीचे, उससे भी नीचे कुछ है, खुद के भी नहीं निकलेगी, पाताल से नीचे कुछ होता है, ये पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नेट रन रेट ऊपर नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी मैच जीत, वैसे तो तुम जीत नहीं सकते, तुम्हारी शक्लों पे हार लिखी हुई है, जीतने का तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, दो बॉलर बाहर हुए चलो मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं एक बार गौर फरमाए आप इस मैच में हुआ क्या है, पहला ओवर खलील भाई ने डाला, वाह 7 रन आए बैट से, कोई रन नहीं आया, हालांकि पहला एज था, उसके बाद 7 रन, दूसरे ओवर की आप देख लीजिए लेग बाय आया, पहले 3 बॉल पे कोई रन नहीं, 4 बॉलों तक आपके 1 रन आया था सेकंड ओवर में, बैक टू बैक चौके मारता है लास्ट में ईशांत शर्मा के, ठीक है ना, पहले ओवर में 7 रन, ये देखो कैसे बढ़े हैं ये, मतलब अपने आप को आपने ढीठ पने में बचाया नहीं, एक से ऊपर ऊपर बिल्डिंग बनाई है, स्काई स्क्रेपर बना दिया आपने, 7-10-15-26 मतलब 7 रन पहले ओवर में, 10 रन फिर 15 ओवर खलील को पटे, उसके बाद 26 रन सुनील नरेन, 7-10-15-26 खत्म, और आपके यहाँ पे ऋषभ पंत जी तो प्रगति बाद में यू कर रहा है, यू कर रहा है, अंपायर कह रहा खत्म हो गया, भाई क्या तेरे को 10 घंटे चाहिए, पहले रिव्यू छोड़ दिया, बाद में रिव्यू छोड़ दिया, कैच छोड़ दी, 7-10-15-26-12-18 उसके बाद एक 5 रन का ओवर सुमित कुमार ने आएगा, थोड़ा थक गए होंगे वो छक्के मार के, थक गए उन्होंने ब्रेक लिया सुमित के ओवर में, सुनो आप 7-10-15-26-12-18-5 उसके बाद 5 आया 19-14-9-15-12-9-10-14-10 उसके बाद सुन लो 19-15-25 अबे क्या लंगर बट रहा है यहाँ पे, कि तुमने कड़ी छोले के स्टॉल लगा रखे वहाँ पे खाने के लिए, बांटो, कोई भी आके खा ले, आओ कोई भी आके नौ चले तुम्हें कड़ी छोले अच्छे से, तुम क्या
कड़ी छोले कहाँ आपने एग्जांपल दिया आप आके वहाँ पर क्या मतलब आपने नतमस्तक करना क्या चाह रहे थे दिल्ली वाले बोल नहीं पा रहे हैं मतलब आप उनके पैरों में लेट गए लठ मारो हमें मजा आ रहा है लठ मार होली खेलेंगे होली अभी गई है तुम बैठ गए कि डंडे मारो हमारे सरों के ऊपर अबे क्या है ये 19 15 25 क्या है अब इनके सबसे ज्यादा देख लो 19 15 25 ठीक है 18 अक्षर पटेल 19 अच्छा 19 है अक्षर पटेल 18 रसिक दर 26 ईशान शर्मा 15 खलील अहमद कम से कम 6-7 ओवर ऐसे हैं जिसमें 15 से ऊपर गए हैं 2 ओवर ऐसे हैं जिसमें 20 से ऊपर गए हैं और 3-4 ओवर ऐसे हैं जिसमें 18-19 रन गए हैं मतलब चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें तुम चम्मच में पानी लेकर डूब मरो चम्मच पकड़ो पानी लो जंप करो उसमें ऋषभ पंत आया है थोड़ा सा तो रन बनाया उसने डेविड वॉर्नर 13 में 18 चैंपियन ऑफ T20 यही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले किस बात की तालियां बजा रहे हो आपकी टीम के कचौड़ी के शरीर वाला आदमी 7 बॉलों पे 10 रन पृथ्वी शॉ 272 की चेज में 13 पे 18 मेरा डेविड वॉर्नर 7 पे 10 है पृथ्वी शॉ और इंपैक्ट डालने आए के लिए मेरा अभिषेक पोरेल किस जीरो जिस डगआउट में सौरभ गांगुली और रिकी पॉन्टिंग बैठे हैं इंपैक्ट में आ रहा है अभिषेक पोरेल चम्मच में पानी लेके डाइव करो डाइव होनी गिर जाओ अभिषेक पोरेल 5 बॉलों में 0 रन मिचेल मार्श 9 बॉल में 0 सड़क का संजय दत्त यहाँ पे आके 2 बॉलों में 0 रन लंबे लंबे बाल रख के आ गए सड़क में गाना कौन सा था 2 बॉलों में 0 आप 272 चेस कर रहे हो 13 में 18 138 7 में 10 2 पे 0 5 पे 0 फिर भाई साहब पंत दिल्ली एट नंबर 9 तालियां मुबारक एंट्री हो चुकी है पंजाब पंजाब नंबर 7 पर पंजाब दिल्ली पंजाब नंबर ऊपर जी पंजाब ये पंजाब नंबर 7 घटिया घटिया बेशरम जलील लोगों की खुशियां देखो पंजाब 7 में यहां पे लोग बोलते हैं हम चैंपियनशिप जीतेंगे ऊपर आ गए ये हम 7 पे आ गए हम 8 पे आ गए दिल्ली हमारी जलालत है अरे आज में लोग ऊपर दिल्ली से ऊपर बोल रहे 13 से ऊपर तो हम हैं अभी भी नेट रेट हमारे लिए खराब है हमको ऊपर आ जाएंगे आप हमारा स्कोर कार्ड दिखाएं एक बार खत्म नहीं हुआ स्कोर कार्ड बड़ा स्कोर कार्ड में नजर डालें आप 272 की चेज में 166 बनाने वाली टीम 100 से ज्यादा मरे क्यों नहीं जाते उसके बाद आप देखें डिस्टेंस स्टंप्स में भी ठीक ठाक खेला ऋषभ पंत 220 की स्ट्राइक रेट से खेल गया लेकिन जब तक ऋषभ पंत आया तुमने मैच ही खत्म करवा दिया पंत को ऊपर आना चाहिए पंत बैक टू बैक 50 पहले तो पंत के लिए तालियां और जो मनहूसियत केएल राहुल ने फैला रखी है जो जितेश से बैटिंग नहीं हो रही ध्रुव जुनेल से बैटिंग नहीं हो रही आई गेस बैक टू बैक 50 मार के और कीपिंग भी करके ऋषभ पंत ने बताया कि भाई वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार है आपकी कम से कम फिटनेस तो है केएल राहुल की तरह तो नहीं कि एक मैच में इंपैक्ट आ गया दूसरी मैच में सब्ट्रैक्ट हो गया तो कम से कम ऋषभ पंत बता रहा है कि भाई मैं खेल और आज भी जब तक क्रीज पे था मजा आ रहा था बैटिंग शाहरुख खान ने भी खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई थी 5 छक्के 4 चौके कुछ तो जिगरा दिखाया यार डेविड वॉर्नर तो मिचेल स्टार्क को टुक टुक कर रहा है मिचेल स्टार्क और उसके और वो तो फ्रेंडली मिच मार्श के बीच में तो त्रिदेव बन गया था कॉन्टेस्ट चल रहा था वहां पे कि मैं तेरी दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सपेरा और दिल्ली को हरवा दिया तुमने दिल्ली का ना रहा रैन बसेरा क्या कर रहे हो यार किस तरीके से बैटिंग करवाते हो किस तरीके से बैटिंग करते हो और कौन से बॉलर को पिक करना है तुमने यार ये मिच जो क्या नाम है यार उसका भाई मैं पागल हो जाऊंगा मिच मार्श स्टार्क में पागल हो गया ऑस्ट्रेलियन को देख स्टार्क को पहली बॉल पे ऋषभ पंत ने छक्का नहीं मारा तू किस बात पे डिफेंड कर रहा है और डेविड वॉर्नर ने छक्का नहीं मारा छक्का मारा था उसने वो बोर्ड
वो बोल्ड हो रहा है, वो सेकंड बॉल पे आउट हो रहा है। पुरेल पुरेल ये है इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, सब्सट्रैक्ट, अरे द ग्रेटेस्ट एडिशन कुछ नहीं, मल्टीप्लाई टू डिवाइड करने की उम्मीद है आपकी कभी फ्यूचर में, डेली कैपिटल ये मल्टीप्लाई करेंगे। आप मेरे ख्याल से शाहरुख खान झपिया पा रहा है वहां पे, जा क्यों नहीं पाएगा, शाहरुख खान झपिया पा रहा है, वो पा रहा है कि दे रहा है। सौरभ गांगुली बेशर्मो की तरह वहां पे डगआउट में बैठ के ये प्लान बना रहे कि अभिषेक पुरेल को ऊपर भेजा जाए, रिकी पॉन्टिंग्स और सौरभ गांगुली यहाँ पे जाके आशीर्वाद दे रहा है, ये अपना बना हुआ है ओशो रजनीश यहाँ पे, क्या नाम है शाहरुख खान, ओशो रजनीश, ओशो रजनीश आशीर्वाद हंसी दे रहा है वो जाके, अरे उसकी टीम जीती है, उसकी टीम जीती है, दिल्ली कैपिटल्स एक लुच्ची टुच्ची मच्छर दुच्ची दुच्ची, इससे भी कोई गंदे शब्द है ना तो बोल दो, लुच्ची टुच्ची घटिया खत्म, मतलब ये नहीं 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 ये रोना नहीं, कोबरा मेरे पीछे बोलेंगे सभी, रिकी भूई भू, दिल्ली कैपिटल्स भू, दिल्ली कैपिटल्स भू, दिल्ली कैपिटल्स कमॉन, आप भी कर ले, आप भी कर ले, आपको हुई, आपको कल बोला था ये लानत दिल्ली कैपिटल्स तुक्के से जीत गए और आज उसी तुक्के से हार भी गए हैं लोग, बहुत शानदार खेला के क्या और ये आपकी टीम का हाल होने वाला था, पॉइंटेड जूते जो थे पॉइंटेड वाले थे, दिल्ली उस पे हां उसकी नोक पे, हां उसकी नोक पे यस पॉइंटेड जूते के, हमारे प्लेयर भी पहुंच गए जी, हमारे प्लेयर वाह कुलदीप वाह बेटा वाह कुलदीप यादव वाह मैच नहीं खेला, मैच नहीं खेला कुलदीप ने, मुकेश ने 100 रन से हारे हैं, शो भी आ गया, प्रोड्यूसर कह रहा मुझे भी गले लगा लो यार, भी गले लगा लो, अबे ये कौन सी बिछड़ी हुई भरत मिलाप कर रहा है, क्या तुम्हें अडॉप्ट करेगा वो, तो पहुंच गए उसके पास, भोसिया बना रहे हैं, बहुत बड़े तुम इतने बेशरम लोग मैंने नहीं देखे, एक पैसे की शर्म नहीं आंखों में कि सौरन से हार के आए, पृथ्वी चौक पहुंच गया, चलो कुलदीप तो केकेआर में था, तो शाहरुख खान गया कि भाई मैंने तेरे साथ ठीक नहीं करा, बाल बाल पकड़े उसके ठीक है, मुकेश खड़ा हुआ साइड में, दोनों नहीं खेल रहे, पृथ्वी शॉ आ गया साइड से, यूं यूं मटक रहा है, ये है गांव की छोरी बीच में आ गई, हाय हमें भी पकड़ लो, क्या घटिया पना कर रहे हो यार तुम, अभी खलील भी आ गया था, यही गंभीर अगर गंभीर होता दो कट आप देता इनके कान के नीचे, भाई 100 रन से हारने के बावजूद दांत दिखा रहे हो शाहरुख खान, अगर वो प्लेयर्स दिल्ली में है तो सीरियसनेस से उनका नाता दूर दूर तक नहीं है, इस बात की सीरियस नहीं है, अगर अरे वो एंजॉय कर रहा है, अगर ललित यादव नो तो मैच फिनिश, नो एंजॉय राय यादव, अमर हकीम खान यार, यार पता है दिल्ली में दोनों को खिलाओ, एक सेकंड दिल्ली नहीं यार, वो तस्वीर दिखाओ, देखो वो तस्वीर दिखाओ आप, जो ये कुलदीप के बाद जो कुलदीप को छोड़ दो, ये जो पतली खबर इतनी बड़ी कमर फैली हुई है, पृथ्वी शॉ को दिखाओ, वो यू यू करके आया है, यू यू कर रहा है, शिप बना हुआ यू यू कर रहा है, बैटिंग करने आता जल्दी, शाहरुख ने भी देखा, अच्छा तू भी आ जा बेटा, 100 रन से हम जीत के आ जाओ, सब अपनी बेइज्जती कराने आ जाओ, मेरे ख्याल से तो पूरी लाइन लगा ली होगी, पॉन्टिंग और अंगुली भी आ जाए उसके पैरों में पड़ जाए, और बचा क्या है, उसके बाद जिंदल साहब भी आ जाए ऊपर से, जेएसडब्ल्यू आपके सारे आ जाओ, सारे लेट जाओ केकेआर के पैरों में लेट जाओ आप, एक पैसे की शर्म नहीं, डिलीट के बच्चे नंबर वन, आज आप इतनी बुरी तरह हारे हो, कम से कम आपको वहां पे होना चाहिए था कि यार ये क्या हो गया, हमारा दिमाग थोड़ा फोकस करें कि कोई बात नहीं पिछला मैच जीते थे, रीग्रुप करेंगे, हैं शाहरुख भाई, हाँ शाहरुख भाई तस्वीर खिंचा लो तो उसी के साथ तस्वीरें खिंचाओ, खेलने क्यों आते हो, मन्नत के बाहर जाके वो अपना रेडी लगा लो, जब वो निकले शाहरुख भाई को सल्यूट मारो, और क्या करता है तुमने, और भाई ये देखो अभी तक खड़े हुए कॉर्नर पहुंच गया छोड़ने के बाद, यार फैन मोमेंट है उनका, जीने दे दो आपकी टीम का, इस बात का फैन मोमेंट है, 100 रन हार के आ रहे हैं यार, वो सीरियसनेस, अरे पहले बोल चुका हूं ये सब चीजों के लिए, की बात बता रहा हूं, अगर गौतम गंभीर 100 रन से मैच हारा हो, शक्ल ना देखने को मिले उसकी, पूरी टीम की देखने को मिले, कोई शाहरुख खान खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, कोई ना जाए, गौतम गंभीर वो आदमी है, सब बोल रहे थे भी वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीता है हमने, उसने बोला भाई हमने देश के लिए जीता है, वो किसी के लिए नहीं जीता हमने, भाई आपको मैच जीतना है, सीरियसनेस कहाँ है, हर साल आते हो कपड़े फड़वा के चले जाते हो, पता नहीं कौन से एक्सपर्ट जर्सी रखे हुए, कितने ढीट हो आप, कपड़े फटे ले भाई सीधे इसको ले, यहाँ से फट गए वहां से फट गए, पर दुनिया कोई वहां से पेड़ मार रहा है, कोई यहाँ पे लाते मार रहा है,
दुनिया का यू कर रहा है, दुनिया का बेस्ट फिनिशर झाड़ू मार रहा है वहां पे, क्या दुनिया का बेस्ट फिनिशर ललित यादव बैटिंग करने नहीं आया। देखो जस्टिस फॉर ललित, जस्टिस फॉर संजू, ललित यादव होना चाहिए पूरा नाम, विद रिस्पेक्ट फॉर अमर अजीम खान। ये ऐसा मिला है जैसे कुंभ के मेले में इसका बिछड़ा हुआ बेटा हो गया, ये ऐसा मिला कि पापा बड़े सालों के बाद देखा है ना, आपकी पोस्टिंग कहाँ हो गई थी टिम्बकटू में, इतना मासूम बन के गया उसको छपी मारने के लिए, 2.5 किलो की तेरी शक्ल है, उसको कम से कम आज तूने बैटिंग भी नहीं कर पाया, उसको छुपा ले, पहुंच गया उसके पास मुंबई, वो भी बढ़िया अपना ओशो रजनीश बना हुआ है, आओ मेरी शरण में आ जाओ सारे के साथ, मुंबई से है ना, यार यार वो आपके अंदर खुद जा रहे हो, आप दिल्ली से खेल रहे हो ना, खेले मुंबई, एक तो हम भी इतने गेटर को रिलीज ही नहीं करा, इसको करोड़ों रुपए दिया हुआ, बताओ 8 करोड़ यहाँ पे 8 करोड़ फंसाया हुआ है, कुमार कुशाग में 7 करोड़ फंसा लिया, फंसा लिया अपना 20-25 करोड़ तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में फंसा के रखा हुआ है, रिक्की भुई भी 4 करोड़ भाई, दिल्ली जैसी टीम गली मोहल्ले में 15-20 होता है, ये कितने बेशरम लोग हैं, मैच हारने का कोई गम नहीं था, सारे के सारे शाहरुख खान को पहुंच गए झप्पी करने के लिए, सुशांत अब समझो ना, अभी तीसरा या चौथा ही तो मैच है, 10 और पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं, सुनील नरेन की शक्ल देख के डूब के मर जाना, मजा आ गया, प्लेयर ऑफ द मैच लेने आया, उसने पता कैसे लिया, दियो मेरे को प्लेयर ऑफ द मैच, क्यों लिया उसने दोबारा आया भी देखो, एक परसेंट की खुशी नहीं शक्ल पे, रिएक्शन दिखाते ही नहीं उसके, 1% का कोई एक्साइटमेंट नहीं, और हार के भी नाच रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि यार ये नॉर्मल बात, मेरा टाइम वेस्ट करा तुमने, बैटिंग में भी मेरे को थका दिया, बॉलिंग में भी मेरे को थका दिया, मेरे से मत खिलाया करो ऐसी घटिया टीमों, ये आ गया, बात तो सही है, बात तो सही है, मेरे से ना बैटिंग होती है, कैचे मैं छोड़ देता हूँ, छक्के सब खा रहे हैं, मैं फिर भी जीत गया, बात तो सही है, 3 मैच जीत गए।